अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हमें अगले जन्म में उसका ऋण कैसे चुकाना पड़ता है, और हम किसी से दलाली खाते हैं तो उसका कर्ज कैसे चुकाना पड़ता है। इसके अलावा किसी की हम चोरी करते हैं तो उसका कर्ज हम कैसे चुकाते हैं, या फिर किसी के हम कर्ज के बीच में जमानतदार व्यक्ति बनते हैं। इन चार ही कर्मों की सजाएं हमें अगले जन्म में कैसे मिलती है और इन्हें जरूरी भोगना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथों के अनुसार, श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण के अनुसार इन कर्मों की सजा मनुष्य को भोगना ही पड़ती है, और जो ऋण आपने जिससे कर्ज लिया है उसे चुकाना ही पड़ता है। आपसे निवेदन है, आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे राधे। अगर आपने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया है और आप उस कर्ज को नहीं दे पाए, अगर आप किसी कारण से या फिर किसी भी मजबूरी से आप उस कर्ज को नहीं दे सके और आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको अगले जन्म में भगवान उस व्यक्ति के कर्ज पटाने के लिए आपको बेल का जीवन देगा, यानी आपको बेल की योनि मिलेगी। उसका कर्ज आपको बेल बनकर पटाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से आपने किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे दिलाए हैं और वो व्यक्ति पैसे खा गया और आप उसमें जमानतदार हैं, तो दोस्तों अगले जन्म में जो पेड़ के ऊपर बांधा होता है, मतलब पेड़ के ऊपर पेड़ उगाता है, वो आपको बनना पड़ेगा। आपको उस बांधे की योनि मिलेगी जो कई जन्म तक आप उस पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे, यानी आपको एक योनि मिलेगी। और तीसरा, अगर आप किसी भी प्राणी पर, जैसे गौ माता है और भी अन्य प्राणी हैं, अगर आप उन पे ज्यादा काम करवाते हैं या उन पर आप ज्यादा ही कुछ अत्याचार करते हैं, तो आपको अगले जन्म में गधे की योनि मिलेगी। और जिस प्राणी से आपने ज्यादा काम करवाया वह आपसे बहुत काम करवाएगा। चौथी बात, अगर आप दूसरों के यहां चोरी करते हैं, आपके पास धन होते हुए भी आपने दूसरों के यहां चोरी की है, तो आपको अगले जन्म में उस व्यक्ति के यहां एक नौकर बनकर जिंदगी गुजारना पड़ेगा। आप नौकर मनुष्य की योनि में बन सकते हैं, या आप नौकर एक कुत्ते की योनि भी आपको मिल सकती है। ये कर्म हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए हैं, ये कर्म का ऋण चुकाना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कुछ भी कर ले, वो कर्म का ऋण चुका के ही दूसरी योनि को जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे।